गांव के शिव मंदिर के पास हो रही हलचल ने पूरे गांव में सनसनी पैदा कर दी थी। आइए देखते हैं, एक जवान जोड़ा बेचैन सा पूरे गांव में चीखते हुए चल रहा था। मेरी बच्ची, आवाज लगा, मेरी बच्ची कहाँ है तू? सुकन्या संभालो अपने आप को, हम अब गांव में आ चुके हैं, यहाँ सब हमें देख रहे हैं। मगर सम्यक, हमारी बच्ची कहाँ गई वो? और दोनों रोते बिलखते हुए थोड़ी आगे जाकर शिव मंदिर के पास रुकते हैं। तभी उन्हें एक बच्ची के रोने की आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर सुकन्या बेताब हो उठती है। सम्यक, ये आवाज तो उस मंदिर से आ रही है। और सुकन्या उस ओर दौड़ी चली जाती है। मंदिर के आसपास लोगों की भीड़ भी काफी थी। सम्यक उसे मंदिर की ओर जाता देखकर रोकने लगता है और उसके पीछे भागता है। नहीं सुकन्या, उस ओर मत जाओ, वहाँ खतरा है बहुत। मगर सुकन्या उस ओर जाने लगती है। उस दिन मंदिर में विराजित शिवलिंग की शक्तियाँ चरम सीमा पर थी। जैसे ही सुकन्या और सम्यक मंदिर के करीब आते हैं, शिव की शक्ति को महसूस करते ही अपने असल रूप में आ जाते हैं, जो कि एक नाग नागिन का रूप था। सुकन्या और सम्यक एक विशाल नाग नागिन में बदलकर वहीं रेंग रहे थे कि अचानक ही गांव वालों की नजर नाग नागिन के उस जोड़े पर पड़ती है। तभी गांव वालों की भीड़ में खड़ा केदार जोर से चिल्लाता है, अरे वो देखो, सांप, सांप कितने बड़े हैं, अगर ये हमारे घर में घुस गए तो हमें और हमारे बच्चों को काट खाएंगे। और तभी सारे गांव वाले एक्शन में आकर अपनी अपनी लाठियों को उठाकर नागिन सुकन्या और नाग सम्यक को कुचलने लगते हैं। बेचारे नाग नागिन उन लोगों से बचकर इधर उधर भागते हैं, मगर सब गांव वालों ने उन्हें घेर रखा था और केदार और बाकी गांव वाले उस जोड़े को मार मार कर कुचल देते हैं। चलो शायद अब ये मर चुके हैं, इन्हें यहीं छोड़ देते हैं, पक्षी वगैरह नौच खाएंगे इन्हें। मगर नाग नागिन में अभी भी जान बच रही थी। हे शिव शंभू, हम तेरे दर पर प्राण त्याग रहे हैं, अब तू ही मेरे बचे हुए परिवार की रक्षा करना। और नाग नागिन अपने प्राण त्याग देते हैं। इतना शोरगुल सुनकर मंदिर में सोए हुए पुजारी की आंख खुलती है। जैसे ही वो उठता है, देखता है कि उसके ठीक बगल में एक नन्ही सी बच्ची रो रही थी। अरे ये बच्ची कौन है और यहाँ कैसे आई? पुजारी जैसे ही उस बच्ची को उठाकर शिवलिंग के पास से गुजरता है, तभी शिव शक्ति के संपर्क में आते ही वो भी नन्ही नागिन में बदल जाती है। ये देख पुजारी थोड़ा सक पका जाता है। ये क्या, एक नागिन की बेटी मेरे मंदिर में, आखिर कौन छोड़ गया इसे यहाँ? वो जैसे ही बाहर आता है, उसकी नजर नाग नागिन के मरे हुए जोड़े पर पड़ती है और पुजारी थोड़ी थोड़ी कहानी समझता है। हे शिव जी, हे भोले, ये कैसा अनर्थ हो गया है तेरे घर के सामने, शायद इन्हीं नाग नागिन की बेटी है ये। और देखते ही देखते सम्यक और सुकन्या मिट्टी में बदल गए। पुजारी कुछ करता कि तभी केदार बाकी गांव वालों के साथ वहां पहुंचता है। देखो भाई लोग, कहीं वो जहरीले सांप भाग तो नहीं गए। और बाकी लोग देखते हैं, तभी सबकी नजर केदार के पास टंगे झोले पर पड़ती है। सुनो भाई, तुम इस गांव के तो लग नहीं रहे हो, लगता है कहीं और से आए हो। वो मैं मुझे अब जाना होगा। और केदार फटाफट अपना झोला संभाल वहां से निकलता है। अजीब आदमी है, खैर चलो सब अपने अपने काम पर। और पुजारी ये सब देखकर समझ गया था कि गांव वालों के हाथ अब अनर्थ हो चुका है। पुजारी ने नागिन की उस बच्ची को गांव वालों से बचाने के लिए उसे अपने पास रखने का फैसला किया और उसे अपने घर ले गया। मगर जैसे ही पुजारन को सारी कहानी का पता चला, तो उसने पुजारी पर बहुत गुस्सा किया। ये मेरा घर है जी, कोई जानवरों की बस्ती नहीं, एक नागिन को अपने पास रखने का मतलब समझते हो? मगर पुजारी जिद करता है कि नागिन वहीं रहेगी और पुजारन पुजारी की जिद के पीछे हार जाती है। पुजारी और पुजारन का एक 3 साल का बेटा भी था जिसका नाम शेखर था। हमारे शेखर को भी दोस्त मिल जाएगी पुजार, मान जा, इसे रहने दे यहीं। और नागिन पुजारी की बेटी बन जाती है और पुजारी उसका नाम उत्तरा रखता है। उधर रहस्यमयी केदार गांव को चीरता हुआ एक गुफा के पास जाकर रुकता है और हाफता हुआ कुछ देर पहले जो घटना हुई थी उसे याद करता है। सम्यक और सुकन्या इन दिनों गांव की बस्ती के बाहर अपनी गुफा में मजे से रह रहे थे। छोटे से परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल था, मगर खुशियों को नजर लगाने वाला कोई काला साया तो कहानी में जरूर आ ही जाता है। इन दोनों की जिंदगी के काले साए ने भी वहां एंट्री मार ही ली थी। काले कपड़ों में एक सपेरा गुफा के बाहर आता है, जो अपने झोले से बीन निकालता है और जोर से हंसता है। किसी भी परिवार को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका
उसकी सबसे कीमती चीज चुरा लो। केदार देखता है कि सम्यक और सुकन्या जब गुफा से बाहर जाते हैं तो वो मौका पाकर अपनी बीन निकालता है। अब बीन की आवाज सुनकर इनकी नागिन बेटी बाहर आएगी तो मैं उसे उठा ले जाऊंगा और नागमणि फिर मुझे खुद ब खुद ही मिल जाएगी। और सपेरा बीन बजाता है। बीन बजते ही गुफा से नन्ही नागिन रेंगती हुई बाहर आती है। केदार उसे देखकर बड़ा खुश होता है और उसे उठाकर अपने झोले में रखकर जाने ही लगता है कि तभी उसे पीछे से एक रोने की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही वो पलटकर देखता है तो वहाँ एक और नन्ही नागिन थी। सपेरा उसे देखकर चौंक जाता है। इसका मतलब नाग नागिन के दो बेटियां हैं। वो कुछ समझ पाता कि सम्यक और सुकन्या वापस आते नजर आते हैं और वो हड़बड़ाता हुआ दूसरी नागिन को भी गोद में उठा लेता है, जिसे सुकन्या देख लेती है और जोर से चीखती है, नहीं मेरी बच्ची। केदार दोनों को देख घबराता हुआ गांव में घुस जाता है और जाकर शिव मंदिर में पहुंचता है। नाग नागिन भी जब शिव मंदिर पहुंचते हैं तो वो अपने हाथ में जो बच्ची थी उसे पुजारी के पास सुला देता है, मगर इतनी हड़बड़ी में एक नागिन उसके झोले में ही रह जाती है। गुफा में खड़ा केदार झोले से सांप का पिटारा निकालता है, जिसके अंदर एक और नन्ही नागिन लेटी हुई थी। तू आ गई मेरे साथ, शायद अब तू ही मेरे नागमणि तक जाने की चाह भी बनेगी। केदार इस नागिन का नाम अवनी रखता है। दो नागिन बहनों का जहरीला नसीब अब उनकी परवरिश के अनुसार बट गया था। धीरे धीरे दोनों नागिनें बड़ी हो रही थी। पुजारी उत्तरा को बहुत समझदार और संस्कारी लड़की बना रहा था, जबकि केदार सपेरे ने अवनी में बस जहरीली बातें ही भरी थी। उधर उत्तरा और शेखर साथ खेले बड़े हुए और एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बनते बनते एक दूसरे से बहुत प्यार भी करने लगते हैं। शेखर उत्तरा के नागिन होने की बात जानता था, फिर भी उसे बहुत चाहता था। उत्तरा की नागिन शक्तियाँ बहुत जल्द उसे मिल जाएंगी, शायद तब मेरी बच्ची घबरा भी जाए। ऐसे में तुझे उसे संभालना होगा शेखर। आप चिंता मत करो बाबा, मैं उत्तरा का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा वक्त बीतने के बाद अवनी और उत्तरा दोनों की नागिन की शक्तियाँ जाग जाती हैं और तब शुरू होती है केदार की चाल। बाबा ये क्या है? बेटी मैंने बहुत कड़ी तपस्या कर तुझ में ये शक्तियाँ पैदा की है ताकि मेरी बच्ची सबसे शक्तिशाली हो और वो करे जो मैं ना कर सका था। बोलो बाबा, आपके लिए मैं सब करूंगी। अगर इसकी शक्तियाँ आई है तो उस दूसरी नागिन की भी आ गई होंगी। अगर ऐसा है तो वो भी अपनी नागमणि लेने आएगी। ऐसे में मुझे पहले उस नागमणि तक पहुँचना होगा। बेटी पास के गांव में बरसों पहले नाग नागिन के जोड़े ने आतंक मचाया हुआ था और जब वो मर गए थे तब वहाँ एक जहरीला पत्थर छोड़ गए थे जो दिखता तो हीरे जैसा है मगर पृथ्वी के लिए बहुत घातक है। उसे वहाँ से हटाना होगा। मैं ये आपके लिए करूँगी बाबा। मगर एक चीज का ध्यान रखना अवनी, वहाँ जोड़े की छोड़ी हुई एक पहरेदार जहरीली नागिन भी हो सकती है। अगर वो दिखाई दे तो उसे खत्म कर देना। हाँ बाबा, जो भी रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। और अवनी सपेरे की बात मानकर गांव के लिए निकल पड़ती है। उधर उत्तरा खुद को नागिन बना देख घबरा गई थी, तभी शेखर उसे सीने से लगाता है। उत्तरा मेरी बात तो सुनो, तुम चाहे नागिन हो या इंसान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। उत्तरा रोती हुई पुजारी के पास जाती है। बाबा मेरी असल कहानी क्या है? पुजारी उसे सारी बात सुनाता है। अब वक्त आ गया है बेटी, तू तेरी लड़ाई खुद लड़े, जिसका रास्ता तेरे माँ बाबा के घर यानी उस खंडर से होकर जाएगा और उस राह पर तुझे दुश्मन भी मिलेंगे। शिव सबका भला करे। और उत्तरा शेखर के साथ निकल पड़ती है। तभी शिव मंदिर आता है और दोनों शिव शंभू के मंदिर पर रुकते हैं। इत्तेफाक से नागिन अवनी भी वहीं थी। अवनी की नजर तभी शेखर पर पड़ती है। इतना सुंदर लड़का, ये बस मेरा ही होगा। अवनी का दिल शेखर पर आ गया था और तभी वो शेखर को उत्तरा का माथा चूमते देखती है। ये देखते ही अवनी की रगों में गुस्से का जहर फैल जाता है। ये लड़का तो सिर्फ मेरा होगा। जैसे ही उत्तरा और शेखर बाहर आते हैं, अवनी बिना बोले ही उत्तरा पर हमला करने लगती है। अवनी का नागिन रूप देख उत्तरा भी नागिन रूप में आ जाती है। दोनों बहनें एक दूसरे के सामने अब दुश्मन बनकर खड़ी थी। उत्तरा भी अवनी पर हमला करती है। तो जो कोई भी है और जो भी लेने आई है, मैं तुझे वो कभी नहीं लेने दूंगी। तू जिंदा रहेगी तब रोकेगी ना मुझे। मगर उत्तरा अवनी पर भयंकर हमले करती है
और वो कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से अवनी उठकर बिना कुछ किए मकसद के बारे में पहले सोचती है और गायब हो जाती है। शेखर, ये कौन थी? शायद तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मन। केदार अपनी गुफा में बैठकर बरसों पहले चली चाल को अब पूरा होता देख हंस रहा था। बेवकूफ नागिने, अब बहने होने पर भी ऐसे लड़ेंगी जैसे जहरीली दो नागिने हो। उत्तरा और शेखर दोनों खंडहर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां तो अवनी पहले ही पहुंचकर हाथ में नागमणि थामे खड़ी थी। ये देख उत्तरा को फिर से क्रोध आता है। तो तू ही है वो पहरेदार जहरीले नागिन, पर तू तो हार गई लड़की और अब मरेगी, फिर तेरी ये कीमती चीज भी मेरी। अवनी शेखर के चेहरे पर हाथ फेरती है। शेखर, मैं अब समझी मेरा मकसद क्या है, इस नागिन को खत्म करना। और दोनों नागिनों में भयंकर झगड़ा शुरू होता है। दोनों लड़ते लड़ते गांव के शिव मंदिर के पास पहुंचते हैं। सब गांव वाले भी उन्हें देखते हैं। उसी भीड़ में आज भी केदार खड़ा था और दोनों बहनों का तमाशा बनवा कर बस मजे ले रहा था। तभी पुजारी भी वहां आता है। दोनों अब भी लड़ रही थी, मगर अवनी इस बार उत्तरा पर हावी हो जाती है और जैसे ही उसे मारने लगती है तभी नागमणि से आवाज आती है जो अवनी के कानों में पड़ती है। रुक जा मेरी बच्ची, ऐसा मत करना, ये तेरी बहन ही है। ये तो जालिम दुनिया है जो बहनों को लड़वा कर अपने फायदे के लिए तमाशा कर रही है। इसी तमाशे और लालच की वजह से हम दोनों भी चले गए। अवनी ये सुनकर बेचैन होकर पीछे हटती है और तभी केदार भीड़ में से निकलकर अवनी पर चिल्लाता है। अरे लड़की, मारना इसे, रुक क्यों गई? पुजारी की नजर जैसे ही केदार पर पड़ती है वो उसे पहचान जाता है। पुजारी ने बरसों पहले भी ये सब करते केदार को ही देखा था। उत्तरा, ये सपेरा ही है तुम्हारी माँ बाबा का कातिल। फर्श पर पड़ी कमजोर उत्तरा डबडबी आंखों से बस सपेरे को देख ही रही थी। तभी अवनी उत्तरा की ओर हाथ बढ़ाती है और जैसे ही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं, वहाँ तेज रोशनी आती है और सम्यक और सुकन्या वहाँ प्रकट होते हैं। मेरी बच्ची हो, देखो तो कितनी बड़ी हो गई हो तुम। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है बल्कि साथ मिलकर हर बुराई से लड़ना है, क्योंकि तुम दोनों बहने हो, ना कि दो जहरीली नागिने। जहरीला बनना है तो उस पापी के लिए बनो, और हाँ, हमेशा प्यार से रहना मेरी बच्चियों। और दोनों के गायब होते ही पुजारी उन्हें केदार की ओर इशारा करता है और दोनों नागिने केदार के पास जाती हैं और उसे जकड़ लेती हैं। अवनी बेटा, ऐसा मत कर, मैं तेरा बाप हूँ। नहीं, तू मेरा बाप नहीं, बस एक सपेरा है जो हम जैसी भोली भाली नागिनों का जीवन अपने पिटारे में कैद कर लेता है। फिर अवनी और उत्तरा केदार को डस कर मार देती हैं। ये देख पुजारी खुश होता है। दोनों बहनें गले मिलती हैं। मेरी बहन, मुझे माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे। नहीं बहन, तुम मुझे माफ कर दो। अरे कोई मुझे भी बताएगा कि मेरी किससे शादी होगी, पहले वाली से ही या इस सुंदर साली से? नहीं जीजू, आपको तो मेरी बहन ही मुबारक। अपनी बहन के प्यार पर नजर डालकर मैं फिर से गलती नहीं करूंगी। उस वक्त भी बहुत तेज मारा था उत्तरा ने। और ऐसे ही दोनों नागिने जहरीले नागिन से प्यारी बहने बनकर खुशी खुशी पुजारी के साथ ही अपना नया परिवार बना के रहने लगी। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल एनिम स्टोरीज से लगातार अपडेटेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।